हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आपको बताऊंगी बहुत ही सुंदर ब्लाउज बैक नेट डिजाइन कैसे बनाए। अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए, फिर बेल आइकॉन का बटन दबाइए जिससे आपको मेरी वीडियो की सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी। देखिए, मैंने ब्लाउज और लाइनिंग दोनों कट कर लिया है और देखिए डिजाइन के लिए हमने ये लेस ली है। देखिए, हमें ब्लाउज की जो लंबाई ली है 16.5 इंच चाहिए, तैयार में 14.5 इंच आएगी। ये हम 36 साइज का बना रहे हैं तो डबल फोल्ड में 9 इंच ले लिया है और 2 इंच वाला मार्जिन है इसमें। शोल्डर 6 इंच लिए, मोटी भी 6 इंच लिए और इसमें हमने 1.5 इंच की गुलाई दी है। देखिए, अब जो हम नेक ड्रॉ करेंगे, लाइनिंग पे करेंगे और ब्लाउज हम साइड में रख लेते हैं। देखिए, शोल्डर से 3.5 इंच में निशान लगा लेते हैं और इसकी जो लंबाई लेंगे वो हम 11.5 इंच लेंगे। देखिए इस तरह, और इसमें हम 3.5 इंच का हम नेक ड्रॉ करेंगे ऊपर इस तरह। देखिए, इस तरह में ड्रॉ कर लिया है और ऊपर से हम इसमें वी शेप लेंगे नीचे तक। देखिए इस तरह, और इसमें हम 1/2 इंच की भी 1/2 इंच भी ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए इस तरह मैंने ड्रॉ कर लिया है और यहां से हम 1 इंच का निशान लगाएंगे और नीचे भी, और इसमें हम इस तरह ड्रॉ करेंगे। देखिए इस तरह सेम इसे हम कट करेंगे। तो देखिए, पहले हम इसका नेक कट करेंगे ऊपर। देखिए इस तरह, और जो हमने वाली निशान लगाया इस पे कट करेंगे। देखिए इस तरह, और जो वाला निशान लगाया इस पे भी हम कट करेंगे। देखिए इस तरह, और जो हमें बीच में ड्रॉ किया इसे भी कट करेंगे। देखिए इस तरह हमने कट कर लिया है। देखिए, हमने ब्लाउज नीचे डबल फोल्ड करके रख लिया है और इसके ऊपर लाइनिंग रखेंगे इस तरह। हम इस तरह को सेट करते हुए और इसे हम कट करेंगे। देखिए इस तरह, और देखिए इस तरह हम कट कर लेते हैं 1/2 इंच। देखिए इस तरह इसे हम हटा देंगे, अब कट करेंगे हम इसका। देखिए इस तरह, देखिए इस तरह। देखिए, अब इन सब के लिए हम कैनवास कट करेंगे। देखिए, कैनवास मैंने डबल फोल्ड कर लिए और जो हमारा लाइनिंग था इस तरह रख लिया और सेम इसे हम कट करेंगे। साइड में रखेंगे, इसकी चौड़ाई लेंगे वो हम 1 इंच लेंगे। देखिए इस तरह मैंने कट कर लिया है और देखिए इस तरह मैं ये भी रख लिया, नीचे हमने 1/2 इंच का गैप दिया इसमें और इसे भी हम कट कर लेते हैं। देखिए, नीचे मैंने ब्लाउज सीधा रखा है, इसके ऊपर लाइनिंग रखेंगे इस तरह हम पूरा सेट करते हुए, और इसके ऊपर हम कैनवास रखेंगे जो हमने कैनवास कट की थी इस तरह। और इस तरह हम पूरे में सिलाई लगाएंगे
और फिर हम इसे पलट देंगे अंदर। देखिए सेम इसे भी नीचे हम इस तरह रखेंगे सीधा, इसके ऊपर लाइनिंग रखेंगे इस तरह, और इसके ऊपर हम कैनवास रखेंगे। तो देखिए इस तरह कैनवास हमने बीच में से कट नहीं करी अभी, और इस तरह हम पूरे में सिलाई लगाएंगे, ऊपर नेक पे भी सिलाई लगाएंगे, और फिर बीच में करते हुए फिर हम पलट देंगे अंदर। और देखिए जो हमारे बीच में गैप आएगा इसके लिए हम पट्टियां बनाएंगे। देखिए हमने कपड़ा लिया है, इसकी जो चौड़ाई लेंगे वो हम 1.5 इंच लेंगे, हम स्ट्रेट पट्टी कट कर लेते हैं। देखिए इस तरह मैंने पट्टियां कट कर ली है, और इस तरह हम 1/2 इंच यहां से फोल्ड करेंगे, 1/2 इंच यहां से, और इस तरह हम पतली सी पट्टी तैयार कर लेंगे। देखिए नीचे ब्लाउज मैंने सीधा रखा है, इसके ऊपर लाइनिंग रखा है, और इसके ऊपर कैनवास रखी है, और पूरा पिन से सेट कर लिया है, और सिलाई लगाएंगे। देखिए इस तरह हमने सिलाई लगा दी, बीच में कट दे देंगे, और इस तरह हम अंदर फोल्ड कर देंगे इसे। देखिए इस तरह इसके ऊपर हम सिलाई लगाएंगे। देखिए इस तरह में सिलाई लगा दी, अब नीचे फिनिशिंग देंगे और प्लेट डालेंगे। देखिए बीच में से मैंने फोल्ड कर लिया है, और 3.5 इंच पे निशान लगा लेते हैं, और 5.5 इंच लंबी प्लेट डालेंगे हम इस तरह। देखिए इस तरह हमने दोनों साइड निशान लगा लिया है, और प्लेट डालेंगे इस तरह पकड़ेंगे। देखिए इस तरह मैंने दोनों प्लेट डाल दी, नीचे फिनिशिंग देंगे हम। देखिए हमने नीचे फिनिशिंग दे दी। देखिए नीचे हमने कपड़ा रख लिया है ब्लाउज का, ऊपर लाइनिंग रखा है, और उसके ऊपर कैनवास रखी है हमने, इस तरह पूरा सेट करते हुए पूरे में सिलाई लगाएंगे हम। देखिए इस तरह मैंने सिलाई लगा दी, बीच वाला कट करेंगे हम कैनवास। देखिए इस तरह इसे हम अंदर फोल्ड कर देंगे। देखिए इस तरह मैंने पलट लिया, इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे हम। देखिए हमने क्रॉस में पट्टी कट कर ली है, इस तरह डबल फोल्ड करेंगे, और पूरे में बीच में फिनिशिंग देंगे हम। देखिए इस तरह मैंने सिलाई लगा दी, इसे हम अंदर फोल्ड करेंगे, और इसके किनारे पे सिलाई लगाएंगे हम। देखिए इस तरह मैंने सिलाई लगा दी है। देखिए जो हमने पट्टी ली है इस तरह फोल्ड करेंगे, और इस तरह हम पट्टी तैयार करेंगे पतली सी। देखिए इस तरह मैंने पट्टियां तैयार कर ली हैं। देखिए जो हमने पट्टी कट की है इस तरह हम 1.5 इंच पे पट्टी कट कर लेंगे। देखिए इस तरह मैंने सारी पट्टियां कट कर ली हैं। देखिए जो हमने पट्टियां कट की हैं इस तरह हम यहां से हम इस तरह पट्टी लगाएंगे, बीच में हम 1-1 इंच का गैप देंगे।
देखिए इस तरह मैंने पट्टी लगा दी। अब ब्लाउज के संग इसे अटैच करेंगे हम। देखिए इस तरह बीच में से हम रखेंगे इस पट्टी को इस तरह। पेंसिल सेट कर लेते हैं यहाँ पे। देखिए हम बीच में से स्टार्ट करेंगे पहले। देखिए इस तरह हम सिलाई लगा दी। अब दूसरी साइड सिलाई लगाएंगे नीचे से। देखिए इस तरह हमने सिलाई लगा दी है। अब इसके ऊपर हम लेस लगाएंगे। देखिए पहले हम बीच में लेस लगाएंगे इस तरह। देखिए इस तरह लेस लगा दी। डबल सिलाई भी लगा दी। यहाँ पे लेस लगाएंगे हम। देखिए अब हम इस तरह लेस लगाएंगे। देखिए इस तरह मैंने लेस लगा दिए। नेक पे भी लेस लगा दिए। तो देख सकते हैं हमारा पूरा ब्लाउज कंप्लीट हो गया है। देखिए नीचे फिनिशिंग दे दी है। प्लेट भी डाल दी हमने। और देखिए ऊपर पूरी में लेस लगा दी हमने तीनों साइड। और नेक पे भी लेस लगाई है। तो देख सकते हैं कितना सुंदर लगा हमारे ब्लाउज का। इस आसान तरीके से आप सुंदर सा ब्लाउज बना सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक।